थोड़ा वो डिफिकल्ट आता है, बट मतलब ये भी इसलिए नहीं है कि आज ये सेमिनार है, मतलब हमेशा से यहाँ पे भीड़ है क्योंकि सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इस वजह से रोज इतनी भीड़ होती है। हाँ, रोज इतनी भीड़ होती है, रोज भीड़ होती है। अच्छा ये बताइए कि गर्मी बहुत ज्यादा है, कुछ लोग पता चला कि बेहोश भी हो जाते हैं। हाँ, तो वहाँ पे सारी मेडिकल की सुविधा उपलब्ध है, जब भी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो है मेडिकल वहाँ, उसको तुरंत ट्रीटमेंट मिल जाता है। अच्छा, बीपीएससी वाले बैच में है जी। किस जिले से है? दरभंगा। दरभंगा से? दरभंगा में भी क्लास तो है। लक्ष्य एकेडमी का नाम सुने आप? हाँ सुने हैं, बट मैं वहाँ पे नहीं गई, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आई हूँ कंपटीशन। डायरेक्ट यहाँ पे? यहाँ पे क्या माहौल है दरभंगा में, कंपटीशन का क्या हाल है, कुछ आइडिया है? नहीं, मैं वहाँ पे कभी कंपटीशन की क्लास में नहीं गई हूँ, मैं डायरेक्ट यहीं पे आई हूँ। आपका ग्रेजुएशन आप लोग है? ग्रेजुएशन हो गया आप लोग का? ऑनर्स क्या था आप लोग का? मैं जूलॉजी का। जूलॉजी, तो ये बताओ कि बीपीएससी में बहुत सारे पोस्ट है, एसडीएम, डीएसपी, कौन सा पोस्ट बढ़िया है आपके लिए? मैं तो फिलहाल अब एसडीएम के लिए कर रही हूँ। एसडीएम मतलब कि एसडीएम जो बनेंगे तो उसके लिए जूझना पड़ेगा, मशक्कत करना पड़ेगा यहाँ पे गर्मी में? हाँ, तो वो सारी सुविधा है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। ऑफलाइन दोनों है यहाँ पे? हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। ये बताओ कि जीएस में खान सर का जो एक्सपर्टाइज, मतलब जो एक्सपर्ट है, वो मतलब मानचित्र पे भी बताते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, है ना, ज्योग्राफी की बात करें तो उनका क्लास कैसा है यहाँ पर? नहीं, अभी हम लोग के बैच में ज्योग्राफी नहीं स्टार्ट हुआ है, क्या इकोनॉमिक्स से ही स्टार्ट हुआ है, तो अभी हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है, तो अब जब ज्योग्राफी होगा तो उसके बाद ही बता सकते हैं। वैसे ऑनलाइन देखे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। 2 घंटे से ये लोग खड़े हैं और अब अंदर जाने की मौका मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोचिंग का एक अलग ही माहौल है और लोग दूर दराज से लोग आते हैं, अलग अलग कोने कोने से। तस्वीरों में देखिएगा, लगभग 5-6 हजार लड़के बच्चे पढ़ते हैं और काफी गर्ल्स भी हैं। आप लोग भी यहाँ पे पढ़ाई करने आई हैं? कौन सा क्लास? हाँ, आप लोग किस क्लास में हैं, कौन सा कोचिंग में? 70 BPSC जी, 70 BPSC के टेस्ट सीरीज में। अच्छा, टेस्ट सीरीज आप लोग का जो है, तो ये बीपीएससी का ग्रेजुएशन हो गया आप लोग का? आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं ये? हाँ। तो कितने साल का कोर्स है ये? कोर्स हम सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं? हाँ। टेस्ट कैसे, क्या होता है, पढ़ देना होता है? हाँ, वो आपका पूरा शेड्यूल रहता है उसी के हिसाब से। ऑनलाइन करते हैं या ऑफलाइन टेस्ट? ऑफलाइन टेस्ट करते हैं। तो सिर्फ टेस्ट दे सकते हैं यहाँ पे आकर के? टेस्ट भी नहीं, क्लास पढ़ सकते हैं हम सिर्फ। फी है टेस्ट का? 1200 ओनली। बीपीएससी का तैयारी में 1200 को दे करके पढ़ सकते हैं आप, टेस्ट दे सकते हैं। क्या नाम हुआ, कहाँ से? शेखपुरा, आकांक्षा। आकांक्षा, ओके। तो देखिए, धीरे धीरे लाइन बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे हम और भी लोगों से बात करेंगे। और हाँ बोलिए, क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम सरोजी चौरसिया है। हाँ। और मैं उत्तर प्रदेश जिला बलिया से रहने वाला हूँ। अच्छा, तो मतलब बीपीएससी बैच में है? यस सर। ओके, तो धीरे धीरे लाइन बढ़ता हुआ जा रहा है और थोड़ा सा यहाँ पे हम गर्ल्स लोगों का भी से बात करेंगे। देखिए, थोड़ा इस साइड आइए। तो लगभग 5-6 हजार स्टूडेंट जब यहाँ पे एक साथ पढ़ते हैं तो थोड़ा माहौल टाइट तो होगा ही। और ये कोचिंग क्लास का है सफर, गर्ल्स का भी काफी ज्यादा जूझना पड़ता है यहाँ पे। देखिए, लंबी भीड़ है, आइए। थोड़ा सा जाने दीजिए। एक बार तस्वीर दिखाइएगा यहाँ पे कोचिंग, विजुअल लीजिएगा। देखिए, गर्ल्स लोगों का भी काफी ज्यादा भीड़ है और ये सारे गर्ल्स यहाँ पे कोचिंग में आए हैं। 11 बजे क्लास इन लोग का शुरू होगा, उससे पहले काफी जूझना पड़ता है इन लोग को भी, गर्मी काफी ज्यादा है, निकली गर्मी। और थोड़ा बाहर आइए। अच्छा, आप लोग भी बीपीएससी वाले बैच में हैं? हाँ। अच्छा, बीपीएससी बैच में काफी भीड़ होती है अभी, ये जो आप लोग का क्लास है, भीड़ तो काफी है? हाँ, भीड़ तो होता है। आप लोग किस जिले से हैं? गोपालगंज से। तो देखिए, काफी एक तरफ देखिए, जितने भी भीड़ दिखाई पड़ रही है, गर्ल्स का भी अलग सेक्शन जा रहा है यहाँ पे, सब लोग क्लास में अभी एंट्री करेंगे। बॉयज का लाइन यहाँ पे मेरे ख्याल से रोड तक है, कि 1 किलोमीटर से भी अबव लाइन है बॉयज का। और सब लोग कह रहे थे कि कुछ लोग धूप से परेशान भी हो जाते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है। तो आप लोग अभी वेटिंग में है यहाँ पे क्लास में एंट्री जाने होने के लिए? कितनी देर से है यहाँ? आधे घंटे से। अच्छा, घंटों वेटिंग करना पड़ता है यहाँ पे? नहीं, आज ही है, आज टेस्ट है इसलिए। अच्छा, तो और भी गर्ल्स हैं, एक बार तस्वीर दिखाइएगा। अच्छा, आप लोग किस इसी क्लास में? यस सर। तो पर डे कोचिंग में आते हैं? यस सर। पर डे ये रहता है इतना वेटिंग कर? नहीं, पर डे नहीं रहता, आज ही है। आज ही है जी, फर्स्ट डे था और आज है।
अच्छा, तो इतना भीड़ मतलब कितने हजार स्टूडेंट होंगे अंदर? बहुत सारे रहते हैं, एक हॉल इधर है एक हॉल उधर है। तो बीपीएससी वाले बैच में आप लोग? जी सर। तो आप लोग एसडीएम डीएसपी के लिए तैयारी कर रहे हैं? यस सर। तो तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। कौन से फैकल्टी मेंबर हैं, क्या है पढ़ाई का? सारे स्टूडेंट, सारे सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग है और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है सारे को। तो खान सर का क्लास कब होता है? खान सर का होता है लास्ट टाइम, वो समझा कर जाते हैं। ऐसे हर सब्जेक्ट के टीचर अलग है। खान सर का स्पेशल कोई सब्जेक्ट होगा ना? खान सर का है स्पेशल। कौन सा? वो ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ऑल सब्जेक्ट? जी सर। ओके, तो अभी खान सर अभी क्लास में होंगे? नहीं, अभी ऑफिस में होंगे। अभी ऑफिस में होंगे। अच्छा, कोई यहाँ पे आने वाले हैं बड़े अधिकारी? आने वाले हैं। अच्छा हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल पीएस मीनास भी आने वाले हैं खान सर ग्लोबल स्टडीज सेंटर में। तो कई ऑफिसर, कोई ऑफिसर आने वाले, इसलिए ज्यादा भीड़ बढ़ गई क्या? अच्छा, भीड़ बढ़ती जा रही है यहाँ पे और वेटिंग बहुत ज्यादा है। कितना डिफिकल्ट रहता है अंदर एंट्री करने के लिए? कितने महीने का कोर्स है? 18 महीने का है। 18 महीने? हाँ, मतलब 1 से 1.5 साल का है। 1 साल में खत्म हो जाएगा, 1.5 साल तक का लिमिट है। 15,000 है ऑफलाइन का, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, और सिर्फ ऑनलाइन लीजिएगा तो 4500। अच्छा, बीपीएससी का कोचिंग यदि साल भर कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या तरीका है? जी। ओके, क्या नाम हुआ? निशा कुमारी। निशा, थैंक यू। तो दोस्तों, काफी ज्यादा यहाँ पे गर्ल्स बॉयज का भीड़ क्राउड, और खान सर जो कि ऑनलाइन एक्सपर्ट तो है ही, अब ऑफलाइन में जितनी भीड़ हम दिख रहे हैं चौंकाने वाला है।